हेलो एवरीवन। तो आज हम चेन लूप करने वाले हैं मेरी बाइक का। ऑलमोस्ट 500-600 किलोमीटर चल चुकी है ये बाइक, और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये रोल ऑन का चेन लूप। उसके पहले मैं यूज़ करूँगा ये चेन क्लीनर, मेरा है ये यामा लूप करके, चेन क्लीन करेगा। उसके बाद मैं ल्यूब यूज़ करने वाला हूँ। चेन बहुत गंदी हो चुकी है, इसलिए मैं पहले यूज़ करने वाला हूँ ये ब्रश क्लीनिंग के लिए। और उसके बाद ये थोड़ा कॉटन का मैंने कपड़ा लिया है, उसको यूज़ करेंगे चेन क्लीन करने के लिए। पहले अभी चेन देखो आप, बहुत ही गंदी हो चुकी है चेन, आप देख सकते हो। इसको मैं पहले क्लीन कर लूँगा अच्छे से, उसके बाद ल्यूब करेंगे। नॉर्मल अपना टूथब्रश ले सकते हो आप क्लीन करने के लिए, और न्यूट्रल में डाल के आप इसको चेन क्लीन कर सकते हो। दूसरा एक ब्रश आता है अमेज़ॉन पे, थ्री वे ब्रश। ये मैंने टूथब्रश यूज़ किया है। थ्री वे ब्रश में आप डायरेक्टली घिस सकते हो उसको। नॉर्मली क्लीन हो चुकी है, अभी मैं इसमें स्प्रे कर रहा हूँ, जो अपना क्लीनर है उसके इससे स्प्रे कर रहा हूँ। इसे मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टायर को गोल घुमाना है, तो पहले इनर साइड बाद में आउटर साइड में मैं स्प्रे कर रहा हूँ। पूरा स्प्रे करने के बाद हमें फिर से एक बार ब्रश से क्लीन करना है, और सब जो डस्ट है पहले ही हमने निकाल दिए, अभी फिर से ये ऑटोमेटिकली नीचे गिरने लगी। आप देख सकते हो यहाँ पे डस्ट नीचे गिरने लगी है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये नॉर्मल का कॉटन सा कपड़ा है ये ले रहा हूँ, और इससे चेन हमें उल्टा घुमाना है, टायर जैसे नॉर्मली घूमता है उससे उल्टा घुमाना है। इससे क्या होगा, ये कॉटन पे सब डस्ट पार्टिकल चिपक जाएंगे और ये चेन क्लीन हो रहा है। हमें उल्टा क्यों घुमाना है, क्योंकि हमारा हाथ इसमें फंस सकता है, इसलिए हमें उल्टा घुमाना है ये। पूरा जो हमने लगाया था उसमें चेन क्लीनर पूरा साफ कर लेना है हमें, इससे कॉटन से थोड़ा मेहनत का काम है। उल्टा घुमाना याद रखो, अगर आप ऐसे ऐसे घुमाओगे तो आपका हाथ यहाँ पे ड्राइवर में फंस सकता है ये व्हील में, हमें उल्टा घुमाना है। अभी चेन साफ हो चुकी है, देख सकते हो इसको, मैं आपको दिखाता हूँ। हाथ भी खराब हो चुके मेरे, इसको देख सकते हो चमक रही है पूरी। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, चमकने के बाद पूरा हमें क्लीन करने के बाद सब पार्टिकल्स निकलने के बाद सब जो मिट्टी थी वो सब निकल चुकी है इसमें से। अगर लग रहा है आपको कि नहीं निकले तो आप फिर से एक बार स्प्रे कर सकते हो इसमें।
सब नीचे गिर रहा है, देखो कुछ नीचे डाला नहीं लेकिन सब नीचे ऑलरेडी गिर गया है। अच्छे से देख सकते हो आप, क्लीन चेन दिख रही है अभी हमें यहाँ पे। एक चेन क्लीन होने के बाद हमें ल्यूब यूज़ करना है, लेकिन उसके पहले हमें 10 मिनट्स वेट करना है, पूरा जो नीचे गिर रहा है वो क्लीनर वो पूरा नीचे गिरने दो, उसके बाद हमें ल्यूब यूज़ करना है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तब आप सब्सक्राइब कर सकते हो बटन, और लाइक बटन भी दबा सकते हो, और कमेंट करके बता सकते हो आप भी ये कर रहे हो या नहीं, और आपका भी चेन क्लीन हुआ या नहीं। चेन पूरा क्लीन होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, बाइक को ऑन करेंगे, न्यूट्रल पे रख के हमें स्टार्ट करना है बाइक। स्टार्ट होने के बाद हमें क्लच दबा के फर्स्ट गियर में डालना है, और फिर बाद में क्लच को छोड़ देना है, रिलीज़ करना है। उसके बाद क्या होगा, टायर घूमने लगेगा। उसके बाद हमें ये चेन लूप रोल ऑन का मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके ऊपर नीब है वो हमें यूज़ करना है। पहले साइड से बस इतना ही हमें करना है, उसके बाद हमें इंजन बंद कर देना है। पहले हमें न्यूट्रल पे करना है, फिर न्यूट्रल पे आगे गए, फिर इंजन किल स्विच बंद किया हमने। अभी ये ल्यूब हो गया है, ल्यूब हो गया है, इसको हाथ नहीं लगाना है हमें। ये होने के बाद हमें 5 to 10 minutes, 15 minutes ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही रखना है, चलाना नहीं है गाड़ी। इसको अच्छे से ल्यूब होने दो, अच्छे से ल्यूब होने के बाद ये चिपचिपा हो जाएगा थोड़ा। आप चाहिए तो यहाँ पे पेपर भी रख सकते हो नीचे, क्योंकि ये इस पर ना गिरे। मैं इतना केयरफुली किया है तो इसमें कुछ गिरा नहीं है, इसलिए चिपचिपा नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा, टायर हम जब चलाएंगे तभी स्लिप हो सकता है, इसलिए इसको पेपर से ऐसे ढक सकते हो यहाँ पे, उसके बाद ल्यूब कर सकते हो। इसके लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हो। तो ये हो गया ल्यूब्रिकेशन का काम आज जो मैंने दिखाया आपको, चेन क्लीन करना और ल्यूब करना। तो ये आज का वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बताओ, और आप भी इससे आपको भी फ़ायदा हो रहा है घर पे क्लीनिंग करने का, चेन क्लीन करने का, तो आप भी मुझे ये बता सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, आगे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।